क्या ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए कोई ऑयल या मेडिसिन है? हाय, आई एम डॉक्टर हिरणमयी झा. आई एम अ प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट इटर्ना विजन एंड एस्थेटिक क्लिनिक लोकेटेड एट शिवालिक मालवीय नगर, साउथ दिल्ली. आई हैव बीन एसोसिएटेड प्रीवियसली विथ मेनी हॉस्पिटल्स लाइक एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स साकेत एंड सर्वोदय हॉस्पिटल. एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग हियर एंड वी आर डीलिंग विथ cosmetic surgeries like hair transplant, breast surgeries, body contouring and aesthetic dermatology. So today I'll be discussing about kya breast size increase karne ke liye koi oil ya medicine hai. Yeh ek aisa sawal hai jo ki baar baar pucha jata hai aur ye bahut hi commonly asked question hai sare females se ki hum breast ka size non surgical method se kaise increase kar sakte hain aur kya koi oil ya कोई मेडिसिन इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है. तो मेरा आंसर है एक बिग नो, ऐसा नहीं है. आज तक जितने भी रिसर्चेज और ये हुए हैं उनमें जो दो टेक्निक है जिनको कि कहा गया है कि अच्छे से उनकी ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकती है वो है इम्प्लांट सर्जरी या फैट इंजेक्शंस. बट कुछ आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिंस हैं जिनमें कि कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनसे कि ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो सकती है. तो अगर हम बात करें हर्ब्स की तो उसमें कई बार कुछ फाइटोइस्ट्रोजन्स मिलते हैं जिनसे कि बताया गया है, जो अभी तक इसका क्लियर कट कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है. बट उनमें बल्कि ये भी देखा गया है कि उसको लेने से कुछ आपके जो मेडिसिंस हैं जो चल रहे हैं जैसे ब्लड थिनर्स उनके साथ भी इंटरेक्शंस पाई गई है एंड इट कैन लैंड यू अप इन प्रॉब्लम्स. इसके अलावा कुछ ड्रग्स और मेडिसिंस हैं जैसे कि ओसिपिल्स जो कि आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसिपल्स लेते हो या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंस ले रहे हो तो उनमें भी देखा गया है कि कई बार ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग. बट उनके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको कभी भी ओवर द काउंटर अभी अवेलेबल नहीं किया गया है जिससे आपकी ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो, और उनको लेना अपनी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए एक सही तरीका नहीं है अपनी ब्रेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए. तो जो एक मात्र तरीका है जिससे आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं वो है या तो आप इम्प्लांट सर्जरी कराएं या फैट इंजेक्शंस के माध्यम से, जिसमें कि एक बार में तो नहीं होता है, यू विल बी नीडिंग सिटिंग्स फॉर दैट. सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट एज वी आर डीलिंग विद ऑल दीज टॉपिक्स विच आर कॉमनली आस्क्ड बाय पेशेंट्स. एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट योरसेल्फ अपडेटेड रिगार्डिंग प्लास्टिक सर्जरी. थैंक यू.